हेलो फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम एवरीवन। मैं हूँ शिरीन शेख, मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ बहुत हेल्दी और बहुत इजी झटपटा बनने वाली रेसिपी, चिकन लेग कबाब। बहुत इजीली आप घर में भी बना सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे बनाने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं मेरी रेसिपी। मैं बना रही हूँ चिकन कबाब घर में, इजी, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे मैं ली हूँ 2 लेग पीस, आप देख सकते हो, और इसको मैं यहाँ से काट के ली हूँ चाकू से, ये देखिए अच्छे से, और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर लगा के ली हूँ ऑलरेडी। तो अभी ये बहुत इजी है, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। थोड़ा सा अदरक लहसुन डालेंगे हम, थोड़ा सा, और इसको मैरिनेट करेंगे अच्छे से। थोड़ा सा नमक और नींबू है तो मैगिनेट करके रखी है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, झटपटा बनाना दिखा रही हूँ मैं, अभी टाइम नहीं है। तो नींबू से इसको मिक्स कीजिए अच्छे से, और यहाँ पे थोड़ा सा पुदीना, और हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे, अंदर तक मसाला जाना है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा लाल कलर भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने नहीं किया। इसको अभी मैं डायरेक्ट फ्राई करूँगी, थोड़ा सा आटा या रवा लगा के, ये बहुत इजी है। तो चलिए इसको 5 मिनट सिर्फ रेस्ट करने रख रही हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे ली हूँ एक पैन, थोड़ा सा तेल डालेंगे हम इसमें। ओके जी, तो थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर हम फ्राई कर लेंगे। ये झटपटा बनने वाला घर पे कबाब है, और उसको ज़्यादा भी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। तो तेल जब तक गर्म होता है, 5 मिनट हो चुके हैं रख के, आप देख सकते हो कितने अच्छे से इसके अंदर मसाला चला गया है। अब इसको हम अच्छे से, थोड़ा सा गेहूँ का आटा ली हूँ मैं यहाँ पे, आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हो, या तो ऐसे ही कर सकते हो, जैसा आपको पसंद। देखिए अभी तेल गर्म हो चुका है, ये वाला भी कर लेंगे, दूसरा वाला। हो गया बस, अब इसको धीमी आंच पे हमें फ्राई करना है, एक 8 मिनट लगेंगे, क्योंकि चिकन अंदर तक गलना है, और धीमी आंच पे, लो फ्लेम पे एकदम, आप देख सकते हो। तो चलिए 8 मिनट के बाद, तो ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं जस्ट इनको पलटा के ली हूँ, आप देख सकते हो अच्छा सा चिकन भी गल चुका है। ये देखिए दिखाती हूँ आप लोग को, ये देखिए ये कितना अच्छा कबाब घर में बन गया, और तेल भी ज़्यादा नहीं यूज़ करी हूँ मैं। तो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, और बना के ट्राई भी कीजिए। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर गाइस। तो फ्रेंड्स अभी बन चुके हैं, आपको दिखा रही हूँ जस्ट, आप देखिए इस तरह से गार्निश करना दिखा रही हूँ, कोई पार्टी वगैरह है तो। चलिए अभी थोड़ा हम इसको गार्निश करके दिखाएंगे आपको, आपके जो भी पसंद, कुम्भर वगैरह किसी से भी कर सकते हो, बट मैं करूँगी इसको प्याज से गार्निश। ये देखिए इस तरह से गोल 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 प्याज काट के ली हूँ मैं, और थोड़ा सा नमक। बोलिए कैसे लगा, मुंह में पानी आया होगा आप लोगों को। तो चलिए फिर
देर किस लिए कर रहे हो, बना के खाइए। और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। घर में हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी रहिए। और आपको जो भी पसंद उससे आप गार्निश कर सकते हो। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर गाइस, फॉलो मी।